हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस एट ईज। इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सीबीएसई 2022 के लिए, जो आपके टर्म टू एग्जाम होने हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमारा चैप्टर है, बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर है। नीट के लिए भी इसमें टॉपिक्स कवर होंगे और साथ साथ सीबीएसई के लिए भी टॉपिक्स कवर होंगे। तो एक क्विकली रिविजन करेंगे इस चैप्टर की, हार्डली वन या वन एंड हाफ आवर लेगा ये चैप्टर, फटाफट से हम इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, अर्थ के अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। एंड माइक्रोब्स, तो इस चैप्टर में तो हम माइक्रोब्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं, दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज 0.1 mm और इससे भी लेस हो सकता है। ठीक है, जो ये माइक्रोब्स होते हैं ना, हर जगह मिल जाते हैं। इनका कोई एक स्पेसिफिक स्पेस नहीं है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे, नहीं, हर जगह। आपकी टेबल पे भी होंगे, आप इस टाइम पढ़ रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, वहां पे भी हजारों माइक्रोब्स होंगे। आपके हैंड पे भी माइक्रोब्स है, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक इन द सॉयल, इन द वॉटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स। इवन अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इवन ये वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं जहां पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे भी माइक्रोब्स आपके प्रेजेंट हैं। लाइक मैं बात करती हूँ डीप इनसाइड द थर्मल वेंट्स, जहाँ जो बहुत ही गर्म इलाके होते हैं, लाइक गर्म उबलते पानी होते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लाइक ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो सकता है। इवन डीप इन द सॉयल भी प्रेजेंट होते हैं, सॉयल के बहुत अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंडर द लेयर ऑफ स्नो ऑल्सो। बर्फीले इलाकों में भी, इतनी ज्यादा बर्फ जहाँ पे है, उन लेयर्स में भी बीच में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इतनी मीटर थिक लेयर होती है ना स्नो की, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में भी दे आर प्रेजेंट। तो माइक्रोब्स हर जगह ही प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि माइक्रोब्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो माइक्रोब्स के अंदर आपके प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एंड फंजाई होता है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि लैब के अंदर ना आप बैक्टीरिया एंड फंजाई को ग्रो भी कर सकते हो उनके न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर, और वहां पे फिर ये क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, एंड फिर आप इनको नेकेड आई से इजीली देख सकते हो। वैसे विजिबल नहीं है, बट इफ दे आर प्रेजेंट इन द कॉलोनीज फॉर्म देन दे आर इजीली विजिबल। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में आपके कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं माइक्रोब्स के, आपको वो डायग्राम से भी गो थ्रू करना है जरूर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके ये होते हैं ना, वायरसेस हो गया, वायरसेस कैटेगरी, वायरॉइड्स, क्लास 11th में आप पढ़ चुकी हो ये चीजें, एंड आपके प्रायोन्स हो गए, ये सारे भी आपके माइक्रोब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, बट आप इनको कल्चर नहीं कर सकते, लैब्स के अंदर आप इन्हें नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि दे आर लिटिल बिट डेंजरस, क्योंकि ये आपके अगर वायरसेस, तो आपको पता ही है बहुत सारी डिसीजेस भी कॉज कर देते हैं। ठीक है, एक वायरस का ऐसे ही यहाँ पे नाम लेती हूँ, दैट इज TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में से देखना है। टोबैको मोजाइक वायरस रोड शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब वायरसेस होते क्या है, इसके बारे में भी एक क्विक बात कर लेते हैं। यहाँ पे वायरसेस बेसिकली नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं इसे नॉन सेलुलर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि विटेकर के क्लासिफिकेशन में ना वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया गया था। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी गई थी ना, बट वायरसेस को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, बिकॉज दे आर ए सेलुलर इन नेचर, सेल्स के नहीं बने होते ये। इनसाइड द बॉडी तो ये काम करते हैं एज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट आउटसाइड द बॉडी दे आर इनर्ट, अनरिएक्टिव होते, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। सो इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है कंप्लीट, दैट इज प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस कैप्सिड बोला जाता है उसे। ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल भी प्रोटीनेशियस होता है। और वायरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड एंटाइटिस विदाउट कैप्सिड, इनका कोई कैप्सिड नहीं होता। वायरसेस के पास कैप्सिड होता है, वायरॉइड्स के पास नो कैप्सिड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रायोन्स की, प्रायोन्स भी जस्ट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ठीक है,
डायग्राम्स को गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि नीट में या सीबीएसई में डायग्राम आपको लाइक आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। माइक्रोब्स नाम सुनते ही हमें लगता है कि कुछ ना कुछ खतरनाक है, बट ऐसा नहीं है। सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, माइक्रोब्स बहुत यूजफुल भी होते हैं ह्यूमंस को इन वेरियस डिफरेंट वेज। तो हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स का, कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घरों में माइक्रोब्स का कहाँ पे यूज होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डायरी प्रोडक्ट्स। डायरी नाम से समझ आ जाता है दूध दही मक्खन, ये सारी चीजें, इनमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। तो आप अब बात करते हैं एक बैक्टीरिया के बारे में, दैट इज LAB, जिसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका एक और नाम भी है, दैट इज लैक्टोबैसिलस। दिस इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूसरा नाम इसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। नेम से ही कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि एसिड, मतलब यहाँ पे ये एसिड तो प्रोड्यूस करता है। ये बैक्टीरिया का काम पता है क्या है, आपके मिल्क के अंदर ना एक शुगर प्रेजेंट होती है, जिसे आप बोलते हो लैक्टोज शुगर। इस शुगर को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू द लैक्टिक एसिड, ये बैक्टीरिया। ठीक है, जिस वजह से आपका जो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को बोला जाता है केजीन प्रोटीन, उस केजीन प्रोटीन की कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन मतलब जम जाता है वो, ठीक है, एंड फाइनली आपका मिल्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कर्ड। तो मतलब पहला प्रोडक्ट आपने यहाँ पे मिल्क से क्या बनाया, कर्ड बनाया। और ये योगर्ट और चीज वगैरह बनाने में भी यूज होता है। कर्ड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है एज कम्पेयर टू मिल्क, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाइटामिन B12 और कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। एंड जो यहाँ पे इसके अंदर LAB होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी चेक करता रहता है, ताकि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करता रहे। ठीक है, आपने घरों में देखा होगा कि आपकी मदर क्या करती है, एक खट्टा लेती है एज अ स्टार्टर, लेती है दही का छोटा सा पार्ट लेती है, उस पार्ट को दूध के अंदर, दूध को थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म करके उसके अंदर कर्ड को उस डाल देती है। वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो खट्टा एज अ स्टार्टर काम कर रहा है, वो उस मिल्क के अंदर, उस मिल्क का टेम्परेचर आप थोड़ा सा क्यों कर रहे हो, आप कोसा कोसा दूध क्यों कर रहे हो, लाइक थोड़ा थोड़ा गर्म क्यों कर रहे हो, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ उसी गर्म दूध के अंदर होती है। एंड फाइनली वहाँ पे आपके बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, एंड आफ्टर ग्रोइंग दे विल डू व्हाट, दे विल कन्वर्ट द लैक्टो शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड बाय कोएगुलेटिंग द प्रोटीन, दैट प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क, एंड दैट इज नोन एज केजीन। Okay, I think this is clear to you. This was the first household product. Next household product, like now, cheese. Cheese की बात करते हैं। मुंह में पानी आ रहा होगा चीज का नाम सुन के, बटर पनीर, पनीर टिक्का, बहुत सारी चीजें याद में आ रही होगी। तो चीज के बारे में अब हम बात करते हैं। हाँ, चीज बस्ट भी, ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ हम बात करते हैं चीज के अंदर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क कर्ड होता है बेसिकली चीज के अंदर, मिल्क कर्ड इसके अंदर होता है, जिसको आपने सेपरेट किया होता है फ्रॉम द वे। तुमने देखा होगा पनीर कैसे बनता है, घरों में बनाते हैं, पानी सेपरेट हो जाता है, पनीर कोएगुलेट होके सेपरेट हो जाता है मिल्क कर्ड जो होता है। वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिल्क कर्ड के अंदर कितना वाटर कंटेंट है, उसके बेसिस पे थ्री टाइप्स के चीज होते हैं। थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं, सॉफ्ट चीज जो आपको अच्छा लगता है, सेमी हार्ड चीज, नेक्स्ट वन इज द हार्ड चीज। अब ये क्या है, सॉफ्ट मतलब जिसके अंदर 50-80% वाटर है, ठीक है। सेमी हार्ड के अंदर ओनली 45% होता है, हार्ड के अंदर मतलब बहुत लेस होगा, तो इसके अंदर लेस देन 40% होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं कि चीज के भी बहुत सारे वेराइटीज है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, टेस्ट है। तो ये ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर क्यों होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स की वजह से। हमारा एक चीज है जिसको बोला जाता है स्विस चीज। आपने वो टॉम एंड जेरी देखा होगा, उसके अंदर होल होल वाला चीज होता है, बड़ा क्यूट सा चीज होता है, उसी चीज को स्विस चीज कहा जाता है। उसकी खासियत क्या होती है, उसके अंदर होल्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे CO2 प्रोडक्शन होती है। वो CO2 प्रोडक्शन क्यों होती है, एक बैक्टीरिया की वजह से, जिस बैक्टीरिया का नाम है, बड़ा उठपटांग नाम है इसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, शर्माता है बैक्टीरिया थोड़ा सा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, नेम आपको ध्यान रखने हैं, तभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ,
इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई से भी. सो दिस बैक्टीरिया इज नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी. ठीक है, यही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ टू, जो सीओ टू इस पनीर को होल्स टाइप टेक्सचर देती है, अपियरेंस देती है. नेक्स्ट आपका चीज है दैट इज रॉकवीफोर्ट चीज. रॉकवीफोर्ट चीज, रॉकवीफोर्ट चीज आपका एक फंजाई को यूज करता है, दैट फंजाई इज पेनिसिलियम रॉकवीफोर्टी. पेनिसिलियम रॉकवीफोर्टी ये चीज क्या करता है, इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रॉकवीफोर्ट चीज का. इसके अंदर आपको ज्यादा बातें ध्यान में नहीं रखनी, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि रॉकवीफोर्ट चीज को बनाने के लिए फंजाई यूज होती है, दैट फंजाई इज पेनिसिलियम रॉकवीफोर्टी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने चीज के बारे में बात कर लिया, जिसमें हमने कर्ड के बारे में बात कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, सेकेंड है हमारा ब्रेड. ब्रेड तो सबने ही खाई है, सैंडविच बना के खाई है, टोस्ट बना के खाई है, बहुत ब्रेड सबने खाई है. ठीक है, तो ब्रेड को बनाने के लिए एक यीस्ट का यूज होता है, जिस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए. यहाँ आपको नेम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये चैप्टर नेम से ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज सैक्रोमाइसिस सर्विसिए. ठीक है, यहाँ पे इस ये ब्रेड बनाने के लिए यूज हो रही है ना यीस्ट, तो इसलिए इसको बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स यीस्ट. नेक्स्ट है हमारा थर्ड इज द डोसा एंड इडली. डोसा एंड इडली, डोसे का जो आटा होता है, डो होता है ना, वो आप यूज करते हो डोसा एंड इडली बनाने के लिए. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम. घर में मम्मा बनाते होंगे, पूछना उनसे किस चीज का बनाते हैं, मैं बता देती हूँ, बाकी राइस एंड ब्लैक ग्राम का बनाते हैं. ठीक है, इसको बनाने के लिए आपके जो चीजें यूज होती हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ल्यूकोनोस्टॉक. एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, डोसा के अंदर भी आप, इडली के अंदर भी आपने होल होल स्ट्रक्चर देखे होंगे, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस. एंड यहाँ पे जो होल्स टाइप स्ट्रक्चर आते हैं वो सीओ टू की प्रोडक्शन की वजह से ही आते हैं, क्योंकि एनारोबिकली ये बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज द टोडी. टोडी कितना अच्छा नाम है, दिस इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक. कहाँ की है ये ट्रेडिशनल ड्रिंक, गर्मियों में वैसे ही ड्रिंक करने का बड़ा मन करता है, वो वाली ड्रिंक नहीं, ये अच्छी ड्रिंक है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है. सो टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक जो आपके साउदर्न पार्ट में होती है. साउदर्न पार्ट मतलब केरला तमिलनाडु, वहां के पार्ट में है, जो आपके पाम ट्री, आपको पता ही होगा वहां पे पाम ट्रीज बहुत होते हैं, उसके सैप से ये ड्रिंक बनाई जाती है, फर्मेंट करके, सैप को फर्मेंट करके. ठीक है, इंडिया में ये बनाई जाती है. तो ये थे हमारे ब्रेड, डोसा, इडली एंड टॉडी के बारे में बात की हमने. नेक्स्ट आपको एक और चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि कुछ माइक्रोब्स आपके फिश को फर्मेंट करने में भी यूज होते हैं, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स वगैरह हो गए, ये फूड भी बनाते हैं. ठीक है, और जो रेजिंग अप अपीयरेंस आता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेड, डोसा, इडली के अंदर जो रेजिंग अप पफ्ड अप अपीयरेंस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सीओ टू ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन. ठीक है, दिस वी हैव कंप्लीटेड द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अपने चैनल पर डालूं. और मेरे चैनल को शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी कुछ एडवांटेज मिल सके. दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन और बेल आइकन. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. देखो यहाँ क्या होता है, आपने सुना होगा विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बियर सुनी होंगी. ठीक है, जो गंदे लोग होते हैं वो इन सबको पी लेते हैं, पर आप सब तो बहुत अच्छे लोग हो, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं. माइक्रोब्स का सिर्फ ब्रेड में यूज नहीं होता, चीज में यूज नहीं होता, या और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज नहीं होता, इंडस्ट्रियल स्केल में, एक लार्ज स्केल में भी माइक्रोब्स का यूज होता है. तो हमारी यहाँ पे भी एक यीस्ट यूज होती है, वही सेम यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए.
सेक्रोमाइसिस सर्विसिए, ठीक है, ये यीस्ट यहाँ पे यूज होती है। अच्छा यहाँ पे इस यीस्ट को बोलते हो आप ब्रीवर्स यीस्ट, क्योंकि ये वाली वाइन एंड ऑल ये सब चीजें बनाने में यूज होती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका अल्कोहल परसेंट होता है बियर के अंदर, अगर हम बियर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो अल्कोहल परसेंट होता है दैट इज 3-6%, ठीक है। और अगर हम बात करें वाइन के अंदर, वाइन के अंदर जो आपका अल्कोहल परसेंटेज है दैट इज 10-20%। और आपका डिस्टिल्ड बीवरेजेस भी होती है, डिस्टिल्ड बीवरेजेस के अंदर थोड़ा सा कंटेंट काफी ज्यादा होता है अल्कोहल का, दैट इज 40-45%, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। जो लोग ये इतना 40-45% वाला अल्कोहलिक कंटेंट यूज करते हैं उनके लिए लीवर को भी बहुत हार्म होता है। वाइन ये सब चीज़ें हार्मफुल होती हैं अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो। बियर के अंदर कंटेंट बहुत ही लेस होता है 3-6%, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ये बियर वगैरह वाइन वगैरह ये सब फर्मेंटेशन से ही बनती है, ये यीस्ट आपका यहाँ पे काम करती है, फर्मेंट करती है जो भी आप उसको बनाने के लिए ले रहे हो, जिन चीज़ों से ये बन रही है। एंड ये जो फर्मेंटेशन होती है ना बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स में होती है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर आपका ये बियर विस्की ब्रांडी रम ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे फर्मेंटर्स आपके लार्ज स्केल्स में वेसल्स को बोला जाता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रख लेना। साथ में एक चीज ना, एक आपको डाटा दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि कौन कौन से न्यूट्रिटिव मीडिया कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कंटेंट ना नीट में कभी कभी आ जाता है, सीबीएसई में तो इतना नहीं आता ये, पर नीट में ये वाली बातें आ जाती है। तो अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस जो हमारी होती है ना वो है बियर वाइन एंड शैंपेन। अनडिस्टिल्ड थोड़ी सी कम हार्मफुल होती है, बट जो दूसरी होती है डिस्टिल्ड बीवरेजेस वो थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अब आप कहोगे कि इस चैप्टर में तो हम बात कर रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट की, तो आप हार्मफुल क्यों कह रहे हो मैम। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक्सेस में चीज अगर आप लोगे तो वो हार्मफुल है, बट वैसे कभी कभी ये डॉक्टर्स इसे मेडिसिन तौर पे भी यूज करते हैं, लाइक 1 स्पून 2 स्पून अगर आप इसका ले लेते हो, कभी कभी कफ एंड ऑल में भी इसको यूज किया जाता है। तो आपका बियर जो होती है, बियर का जो सोर्स है जिससे ये बनती है दैट इज बार्ले ग्राम्स, बार्ले ग्राम्स। एंड वाइन आपकी ग्रेप जूस से बनती है, बट हाँ इनमें अल्कोहलिक कंटेंट जरूर होता है। एंड शैंपेन भी जो आपकी है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द ग्रेप जूस। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिल्ड बीवरेजेस की, डिस्टिल्ड की बात करते हैं। डिस्टिल्ड में बात करें तो रम आती है, गिन आती है, विस्की आती है एंड ब्रांडी आती है। रम आपकी मोलेसिस से बनती है, सोर्स मोलेसिस है, गिन फ्रॉम द बार्ले, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द बार्ले एंड ब्रांडी आपकी पीचेस से, एप्पल से एंड चेरीज से। कितने सुंदर नाम लग रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीजों से बनती है, बट एक्चुअल में अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होता है इनके अंदर, ठीक है। अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस के अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कम है एंड जनरली ये फ्रूट जूसेस से फर्मेंटेशन से बनती है, बट डिस्टिल्ड बीवरेजेस के अंदर ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होता है एंड ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दैट बीवरेजेस एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। ये भी इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स। बुखार होता है, खांसी होती है, तो डॉक्टर आपको क्या ही देता है, एंटीबायोटिक देता है। तो उनमें भी माइक्रोब्स का बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म एंटीबायोटिक किसने दी। हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉक्समैन, इन्होंने एंटीबायोटिक टर्म दी थी। एंटीबायोटिक आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन बना रहे हैं इन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। और इवन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल और इनिबिट भी करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो बड़ी अच्छी लाइन है, माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। खुद क्या है, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस।
प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और किल भी कर सकते हैं और इनिबिट भी कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ अदर, कौन से वाले की, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, विदाउट हार्मिंग द होस्ट, किसी होस्ट को हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब ही यही होता है, अगेंस्ट लाइफ, किसके अगेंस्ट लाइफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट होते हैं, खुद भी माइक्रोब्स है, मार भी उन माइक्रोब्स को रहे हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। बट ह्यूमंस में बात करें ना, तो दिस इज रेफरेंस टू ह्यूमन बींग, दे आर नॉट अगेंस्ट, इनको अगेंस्ट नहीं कहा जाता ह्यूमंस में, ह्यूमंस के लिए तो दे आर प्रो लाइफ, लाइफ देने वाले हैं ये, ठीक है। हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी, जो डिस्कवर हुई थी, दैट इज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जिसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ये जो डिस्कवरी हुई थी ना एंटीबायोटिक्स की, कोई ये डिस्कवरी कर नहीं रहे थे इसकी साइंटिस्ट, ये तो तुक्के से होगी थी। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, ये साइंटिस्ट तो एक्चुअल में काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ये इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। पर इन्होंने पता है क्या देखा कि यहाँ पे ना ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, तो इन्होंने कल्चर प्लेट में क्या देखा कि बैक्टीरिया के चार, जो कल्चर प्लेट थी ना उसके चारों तरफ ना एक माउल्ड आई हुई थी, माउल्ड आपकी बेसिकली फंगल फॉर्म होती है, तो इनको ना समझ में आया, माउल्ड मतलब एक केमिकल सब्सटेंस इनको मिला था जो इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था, तो इनको समझ में आ गया कि ये केमिकल सब्सटेंस कुछ ऐसा है जो इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा, तो इन्होंने ना डिटेक्ट किया ये जो माउल्ड थी ना ये एक्चुअल में एक फंगस की थी, और वो फंगा वो जो केमिकल सब्सटेंस वहां मिला था ना एज अ माउल्ड फॉर्म, वो केमिकल सब्सटेंस था पेनिसिलिन, और वो जो फंजाई थी जिससे ये पेनिसिलिन सब्सटेंस आया था जो ग्रो नहीं करने दे रहा था स्टेफाइलोकोकाई का, ये पेनिसिलिन आपका प्रोड्यूस हुआ था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, साइंटिस्ट को समझ में आ गया भाई ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये खुद भी एक माइक्रोब है और ये ग्रो नहीं करने दे रहा दूसरे माइक्रोब को, एंड दूसरा माइक्रोब कौन सा है, स्टेफाइलोकोकाई, जिस पे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे, तो उसको समझ में आ गया कुछ ऐसी चीज है जो दूसरे की ग्रोथ को इनिबिट कर रही है, ठीक है। तो इसको इसने बोल दिया कि ये एंटीबायोटिक है, तो इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। पेनिसिलिन की थेरापेटिक वैल्यू बहुत अच्छी है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, और फर्दर इसको आर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड प्लोरे ने एस्टेब्लिश किया था, साइंटिस्ट के नेम ध्यान में रखना, मैं यहां लिख देती हूँ, आर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड प्लोरे, ठीक है, इन दोनों ने आपका बेसिकली एस्टेब्लिश किया था लेटर। एंड पेनिसिलिन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक मानी गई थी, इसको यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, भाई ये सोल्जर्स कहाँ के आ गए, कहाँ से आ गए, जब वर्ल्ड वॉर टू था उस टाइम पे बहुत अमेरिकन सोल्जर्स जख्मी हुए थे, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया गया था एंटीबायोटिक, ठीक है। इस रिमार्केबल डिस्कवरी के लिए फ्लेमिंग चेन, फ्लेमिंग को साइंटिस्ट के नेम ध्यान रख लेना, फ्लेमिंग को, चेन को, फ्लोरे को, इन तीनों को भैया नोबल प्राइज मिल गया था 1945 के अंदर, इतनी अच्छी ये डिस्कवरी थी, नोबल प्राइज मिला इन 1945, ठीक है। तो ये था आपका एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स को आप बहुत जगहों पे यूज करते हो, बहुत सारे डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो, जैसे प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वूपिंग कफ हो गया, वूपिंग कफ को काली खांसी भी बोलते हैं, डायप्थीरिया हो गया, डायप्थीरिया को गलघोटू भी बोलते हैं, घोटू। चलो आपको ना एक टास्क देती हूँ, ये प्लेग, वूपिंग कफ और डायप्थीरिया डिसीज में आपको बताना है कि इनको कॉज करने वाले कौन सा माइक्रोब है, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। और है यहाँ पे लेप्रोसी, इसका भी बता देना, लेप्रोसी है दैट इज कुष्ठ रोग हिंदी में, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स को इन डिसीज को ट्रीट करने में भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एंटीबायोटिक्स के बारे में, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स का
लेबोरेटरी स्केल पे कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है भाई, ध्यान से सुनना। ये टॉपिक करने के बाद ना नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड पार्ट बना लेंगे इस वन शॉट रिविजन का, क्योंकि इसमें काफी लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ा सा गैप चाहिए समझने के लिए चीजों को। तो एक नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगी इसका। अभी मैं इसमें हाफ कवर कर रही हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है वन शॉट रिविजन का, एक सेकेंड पार्ट बना दूंगी। बस सेकेंड से ज्यादा कोई पार्ट नहीं होगा इसका, टू पार्ट में आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा वन शॉट रिविजन में। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके ये माइक्रोब्स होते हैं ना, ये बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में यूज करते हैं। फटाफट से मैं नेम बताने वाली हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं इसको टेबल फॉर्म में ले रही हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस कौन कौन सा होता है, केमिकल प्रोड्यूस एंड कौन सा माइक्रोब यूज होता है। फर्स्ट केमिकल इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है, दैट इज एसिटोबैक्टर एसिटाई। नेम ध्यान में रखने हैं यहाँ, तो लर्न तो करना पड़ेगा ये चीज, और है भी इंपॉर्टेंट, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एंड सेकेंड वन इज द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को माइक्रोब जो बनाने में यूज होता है, दैट इज एस्परजिलस नाइजर। नाइगर आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलो, बायो में ज्यादा बोलने का रोल नहीं है, पर स्पेलिंग ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड को जो बैक्टीरिया बनाता है, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। देन नेक्स्ट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका बनता है, ये तो आपको पता ही होगा, अभी हम बात कर भी चुके हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है इसे। पता है यहाँ पे ना और भी होता है, एक थोड़ा बड़ा सा नाम है, याद रख लेना, राइजोपस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये स्मॉल में ही है, क्योंकि भाई साइंटिफिक पहला जो वर्ड होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये राइजोपस अलग है एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस अलग है, ठीक है। ये था आपका केमिकल्स। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं, देखो भाई उन एंजाइम के यूज के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट है आपका एंजाइम प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ना, ये भी आपके माइक्रोब बना रहे हैं। जो प्रोटीएज एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, जो आपकी बियर एंड विस्की होती है, बियर एंड विस्की होती है ना, उनको क्लियर करने के लिए, जो बॉटल जूसेस होते हैं तुमने देखा होगा, ये जो रियल जूस वगैरह होते हैं, ट्रॉपिकाना होते हैं, इनमें आपको कोई फाइबर तो नहीं दिखते ना, बिल्कुल क्लियर होते हैं ये जूसेस, तो इनको क्लियर करने के लिए आप इनका प्रोटीएस एंजाइम का यूज करते हो, ठीक है। सो टू क्लियर बॉटल जूसेस, ठीक है। एंड ऑल्सो दे आर यूज इन द टू रिमूव द स्टेन्स, लाइक डिटर्जेंट स्टेन जो होते हैं हमारे। नेक्स्ट इज द पैक्टिनेज। पैक्टिनेज ओनली फॉर क्लियरिंग फ्रूट जूसेस के लिए यूज होता है। थर्ड एंजाइम इज द लाइपेज। लाइपेज को यूज करते हो आप डिटर्जेंट्स के अंदर, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। फोर्थ इज द एमाइलेज। एमाइलेज को यूज किया जाता है ब्रेड को थोड़ा सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग फ्लेवर देने के लिए, एंड ऑल्सो दे आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस, ठीक है। तो ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्वीट करने के लिए। फिफ्थ इज द स्ट्रेप्टोकाइनेज। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज से। स्ट्रेप्टोकाइनेज को आप यूज करते हो एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मतलब आपकी बॉडी में अगर ब्लड वेसल्स के अंदर, पेशेंट के ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बन जाए, तो उसको डिसॉल्व करने में ये यूज करते हैं, तभी इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर, ठीक है। जिनका थोड़ा सा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह कंडीशंस आ जाती है, वहां पे इस एंजाइम को यूज किया जाता है क्लॉट बस्टर, एज अ क्लॉट बस्टर, क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर बने हुए क्लॉट्स को रिमूव करता है। लास्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, फर्स्ट इज द साइक्लोस्पोरिन ए।
साइक्लोस्पोरिन ए को बनाने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है दैट इज ट्राइको डर्मा पोलिस्पोरम पोलिस्पोरम दिस इज अ फंगस फंगस है. यूज करते हैं इसको एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट. इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब क्या होता है, देखो जिन पेशेंट के अंदर लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, लाइक किसी की किडनी ट्रांसप्लांट होती है, अगर इनकेस खराब हो जाए तो वहां पे ना पेशेंट डोनर की किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है. तो उसका इम्यून सिस्टम बॉडी का अपनी इम्यूनिटी दिखाता है, पर इम्यूनिटी दिखाएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा उसको, बट आपको तो एक्सेप्ट करानी है ना, तो उस केस में इम्यूनिटी को सुप्रेस किया जाता है. तो ऐसे केस में साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले. सेकेंड इज द स्टैटिन्स. स्टैटिन्स को बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने के लिए. उस यीस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस परप्यूरियस, ठीक है. यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है. कोलेस्ट्रॉल जिनके अंदर ज्यादा हो जाता है उसको ट्रीट करने में कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, लोवरिंग एजेंट कहलाता है ये. और ये क्या करता है, उन एंजाइम को इनिबिट करता है, उनके साथ कंपीट करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द केमिकल्स एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं इनको बनाने के लिए. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वन शॉर्ट रिविजन वी विल डिस्कस माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. एक ये टॉपिक करेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट ऑल्सो. एंड इन द लास्ट वी विल डू वॉट, वी विल डू माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है. हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया है इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट हाफ कवर करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए ये बेनिफिशियल होगी. और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट था तो प्लीज़ डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट को वहीं पे क्लियर कर दूंगी. और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली मेरी और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है. और लाइक भी ज़रूर कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.